जय श्री कृष्णा गाइस, विच गॉड डू यू लाइक? गाइस वेलकम टू मिनी ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और मैं हो चुकी हूँ रेडी रेडी रेडी। बोलो, आपने नीचे क्या पहन रखा है? हाय गाइस, बोलूंगा हाय गाइस। आप क्या खा रहे हो? मैं ब्रेड खा रही हूं। और गाइस मैं भी ब्रेड खा रही हूँ यहाँ पे, पर मैं आलू वाला खा रही हूँ, ये जैम वाला खा रही हूँ। Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my channel. Guys, मम्मा ने ये ब्रेड तो बनाया है। एक आंटी का ब्रेड था, एक मेरा ब्रेड, मतलब मम्मा का ब्रेड था। दोनों ने एक एक ब्रेड दे दिए। मम्मा का टेस्टी ब्रेड तो है, लेकिन इसके अंदर मम्मा ने सॉस डाल रखा है, तो मीठा भी लग रहा है, तीखा भी लग रहा है। अब सिर्फ तीखा लगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नंगुरिया तो। सो गाइस, अभी जो है हम बिस्किट कोकोनट कुकीज खाते हुए मम्मा और मैं खा रहे हैं, और सामने हमने टीवी चला रखी है, मस्त बढ़िया। गाइस अभी हो चुके हैं दिन और दिन के बच्चों के चार, और अभी मैं आपको दिखाने वाली थी कि एग्ज़ाम से पहले जो मेरी मतलब जो फोर फ्रेंड्स हैं हम, तो फ्रेंड्स ने हमने ये डायरी बनाई थी। कमेंट्स में बताना कैसी है। और इसके पीछे लिखा हुआ है गुड टाइम्स, और हम चार हैं तो इसके पीछे चार पत्तियाँ हैं, और ये सब डिज़ाइनिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड ने की है। और आप बताना ज़रूरी है कैसी है, और मुझे ये भी बताना कि आप भी बचपन में ऐसा कुछ बनाते थे क्या? ऐसा तो बहुत कुछ बनाते होंगे, लेकिन इसके अंदर के जो पेजेस हैं ना वो थोड़े से ढीले हैं, मतलब थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, वरना एक्चुअल डायरी जो मेरी है ना वो ये है, ये युवा की है। और यहाँ से ये छोटी सी है, मतलब कितनी कड़क है, मतलब टाइट सी है लेकिन छोटी सी है, प्यारी सी। बस ऐसे हमारे पास कवर और बाउंड्री नहीं है ऐसी, अगर वो होती ना तो वो लगा के फिर दिखा देती मैं आपको। मेरे को ये बताना था कि ऐसी डायरी आप लोग भी बनाते हो क्या, कमेंट्स में बताना। प्लीज़, अभी शाम हो चुकी है और यहाँ की लाइट जला देते हैं। और गाइस अभी मुझे चोटी भी बनानी है, ये देखो कैसे बाल हो रहे हैं मेरे यहाँ से। ये हैरी भैया की स्लीपर है जो कि निशु ने पहनी हुई है ना। आज का तो ऐसा बुरा कर रहा था इसने, इसको वन पे दोबारा किया है। कुर्सी पे बैठे थे जो ऐसे ले लिया, मैं यूं बैठी रहती ना, यूं बैठी This is not enough साफ करें। ऐसा कर रही है। इधर देखना। ओह चप्पल। ऊपर नहीं चढ़ेगी बेड, सोफे पे। पिट जाएगा बेटा, पिट ही जाएगा। हाँ ऐसे रखो। Hi guys, welcome to my vlog. और जाने से पहले मैं रोज लिप बाम लगाती हूँ ताकि ग्लो आ जाए, टेक्सचर ग्लो आता है पूरे फेस पे, सिर्फ एक चीज दिखती है हर जगह, मतलब आप पूरा फेस दिखाते हो ना तो अपन मिलते हैं जब तो अपन मतलब जब सबसे मिलते हैं ना तो सब लोग क्या टेक्सचर किसका देखते हैं, तो इसका देखते हैं। तो हमको मतलब अपने डेली बेसिस पर लिप बाम भी लगानी चाहिए। यहाँ पे मम्मा चाय पी रही है, और ये चप्पल आपने सोफे पे रखी तो आप जानते हो फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा ना बताना, ना बताना फिर किसकी पिट्टू होगी? मेरी। वेरी गुड, यार रखूंगा अपने और चीनी अपने ऊपर चल जाएगी, सोफे के ऊपर नहीं चलेगी। और ठीक है, ऊपर आप आए मछली, सुना तो मछली
है, तीनों उसको पानी है, आज तक जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी। और इसी चलती ऐसे ऐसे दिखाऊं सुपर ऐसे यू पानी में तो चलो फिर मैं साइकिल चलाने के बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस अभी हो चुकी है शाम, 7 बज चुके हैं और अभी परफेक्ट 7 बज चुके हैं और मैं पता नहीं खुद को करिश्मा कपूर क्यों समझती हूँ। मैं ऐसे ही हूँ ओके, और मेरा घर साफ ही रहता है। मेरे घर में जो भी आता है ना वो मम्मी यूँ समझता है कि मम्मा कितना साफ रखती है, लेकिन एक बात बता दूँ ये सिर्फ 2 मिनट के लिए साफ रहता है। मीशू है, रीमा है और आंटियाँ सब आके पूरा घर भर देते हैं। हम भी उधर जाके घर भर देते हैं, उधर भी जाके भर देते हैं। मतलब सेकंड फ्लोर जो है ना वो 2 मिनट के लिए साफ रहता है फिर बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं। हमारा सेकंड फ्लोर ऐसा ही है कि जहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं ना, ज्यादा बच्चे है ही नहीं। मेरा संस्कृत का पेपर है, चित्र वर्णन याद कर रही हूँ, फिर रीडर करूँगी संबंधवाचक के नाम, व्यवसाय के नाम और पुरुषवाचक और पता नहीं क्या क्या सब करना है। अब तो मीठा है, खट्टे तो नहीं लग रहे, मुझे खट्टे भी लगते हैं ना तो अजीब से खट्टे लगते हैं, और मीठे लगते तो चीनी से भी लगता है, इनमें ग्लूकोज होता है, यू वांट टू ऑल्सो ईट। चलो गाइस मिलते हैं बाद में। गाइस अभी हो चुकी है रात और रात के बज चुके 10 और अभी मैं दिखाती हूँ डिनर। डिनर में है चटनी, बाटी, दाल और आज देख कर समझ ही गए होंगे कि दाल बाटी, घी में लथपथ, ये है हमारा डिनर। कटोरा मम्मा को पास करते हैं, ये लो। आज का डिनर स्पेशल इसलिए बना क्योंकि हमारा जो क्या है एक साथ ही मन हो गया। पहले मम्मा ने बोल दिया कि दाल बाटी बना लेते हैं, पापा ने भी हाँ कर दिया जैसे जैसे। मैं मेरी ज़रूरत ही नहीं, मैं सब खा लेती हूँ और फिर मुझे नहीं खाना होता तो मैं नीचे से कुछ ले आती हूँ दुकान से, है ना, तो हो गया। इसी तरह से हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है, सभी रात हो चुकी है और मैंने ब्लाउज पहन के अपनी शूटिंग की थी अभी, ब्लाउज और पूरा लहंगा वगैरह। लहंगा तो खैर खोल दिया है अभी, लेकिन इस तरह से मैंने पहना, पूरा सेटअप किया। ज्वेलरीज मैंने बहुत कम पहनी, मेकअप किया ही नहीं था क्योंकि नॉर्मली बनानी थी, शूटिंग नहीं करनी थी। तो इसी के साथ आई होप यू एंजॉय माई व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, तब तक के लिए टन टन।